वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय एंड द वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तैयार हो गई हूँ और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, और लेकिन मुझे ये कभी भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक जो काम है वो देखने जाना है, तो अभी हम निकलते हैं। बस मम्मा और मैं जा रहे हैं बाहर। सो गाइज, मैं आई हूँ यूनिक ब्यूटी सैलून और मैं अपने हेयर्स का जो कलर है वो चेंज करवाने वाली हूँ। वैसे तो अभी करवाया था बाकी, लेकिन फिर दोबारा करवा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ कलर से बहुत जल्दी। और मैं बहुत, मुझे पसंद है खालदा आंटी का, तो मैं उनसे करवाने आई हूँ अपने हेयर पे कलर। और अभी मेरे बाल हो गए वॉश, अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। बाकी बाल तो मेरे वॉश हो गए, और ये आपको याद ही होगा मैंने अभी करवाई थी स्लाइसिंग, बट ये अब मैं चेंज करवा रही हूँ। और मेरे बालों के बारे में बहुत सारे सवाल आएंगे कि आपके बाल नहीं टूटते, वाइट नहीं होते, और आप लोग आपके मतलब बहुत सारे सवाल आएंगे, तो वो मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी आप सबको। लेकिन फिलहाल मैं बालों का कलर करवा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे हेयर में लग गया है और मुझे इतनी नींद आ रही है जब से मैं बस हाँ कर रही हूँ। वो एक जानवर वो उसके जैसे लग रहे इस तरीके से Later that same evening. Then हम लोगों ने थोड़ी सी की है शॉपिंग। Twelve o'clock midnight. मैं वाली हूँ अल-फज्र की बहुत ही यम्मी बिरयानी, आप ही को बहुत पसंद थी, और वो इस बिरयानी को बोल बोल के चली गई और ये खा नहीं पाई। बट आज मैं भी जब से आए हैं जबकि अब खा रही हूँ मैं ये अल-फज्र की बिरयानी, बहुत मज़े की होती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। 3:28 AM यहाँ पे मम्मा का टेस्ट होने लगा है। मम्मा की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब हम टेस्ट करवाने हैं। Early the next morning. Guys, so सामान वगैरह हमारा ये पैक हो गया है सारा, और बाकी का बाहर लोड हो रहा है। अब इतना ज़्यादा सामान है, सब कुछ हम लोग यहाँ से सिक्योरिटी करवा रहे हैं, हैदराबाद से ऑफ कर लिया है फोन। सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है और आज जो है हमारा सारा सामान बिल्डी हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग पैकिंग में लगे हुए थे और मैं व्लॉग वगैरह भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, बल्कि इतना बिज़ी रूटीन जा रही थी कि कुछ हो ही नहीं पाया। इसको ये पूरा हफ्ता तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी गुजरा है। उसके अलावा हम लोग का ये सारा सामान जा रहा है फाइनली, बहुत बहुत ज़्यादा थक गए मम्मा और मैं, और अब देखते हैं। वहाँ तो चलो बाकी सब लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये था कि मम्मा और मैंने ही सब कुछ करना था, तो मम्मा भी बहुत थक गई। मम्मा की काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो गई इस चक्कर में, मम्मा के हॉस्पिटल के भी चक्कर लगे। मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था जब मम्मा की हालत बेहतर हो गई थी, तो वो शायद मैंने अटैच कर दूँगी मैं इसमें। बाकी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, वरना मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये देखिए, ये सारा सामान जा रहा है। चम्मा ने भी हेल्प करवाई है हमें। Later that same evening. आज हमारा हैदराबाद में एक तरह से आखिरी दिन है, क्योंकि कल तो हमारी सीटें और कल हमने चले जाना है वापस फैसलाबाद। सो आज जो है, आज हम उस्मान आंटी के घर आए हैं, इफ्तार पे इनवाइट किया उन्होंने, और सुनने में आ रहा है हम आ चुके हैं सैलून, और सुनने में आ रहा है कि आंटी ने बहुत ज़बरदस्त इफ्तार की तैयारी की है। इनफैक्ट हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही कहा था कि हम आंटी से मिलना बहुत ज़रूरी था, मिल के ही जाना था, और कल बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, तो आज जिससे भी मैं मिल सकूँगी मिल के फिर जाएँगे हम। फिर बिज़ी रूटीन है और टाइम कम है, तो जिससे मिल सकते हैं उससे मिलेंगे। बाकी जो हमें एक आध चीज़ ऐसी है जो यहीं पे अच्छी लगती है, वो सब हम शॉपिंग करेंगे उसकी। मे बी मस्कारे वगैरह लेने हैं हमने, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, अगर मैं आप लोगों को हो सकता है इस व्लॉग में दिखाऊं। थोड़ा सैड सैड दिल हो रहा है, और ज़ाहिर है अपना शहर छोड़ के जाना कोई आसान बात नहीं होती है, और जब मैं आई थी तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अब जा रही हूँ तो उदास हो रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं और सब लोग बहुत सैड हैं मुझे मिलने के लिए, सब बहुत ज़्यादा
वो हो रही हैं, दीवानी हो रही हैं कि मम्मियाँ मिल के जाना, बट मैं सबसे नहीं मिल पाऊँगी, इसलिए मैंने सबको कहा कि मेरे घर आओ और मिल लो मुझसे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सारा इफ्तार का इत्माम किया है उस आंटी ने, पानी की कम नहीं, पानी हैगा रखा हुआ है, और बस मुझे सबसे ज़्यादा तलब पानी की हो रही है। यहाँ पर छोले हैं, खरबूजा है, यहाँ पर खजूर भी थी, मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया है, इसको भूल लिया इस वजह से, और ये समोसा है, ये चिकन विंग, और ये है चिकन चीज़ी रोल छोटा है, यहाँ पे शरबत, और हम सब यहाँ पे इफ्तार कर रहे हैं। तरबूज भी है, हाँ तरबूज। ये पास्ता भी है और पिज़्ज़ा भी है। बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी इफ्तार हो गई है, जबकि इफ्तार के टाइम इतना खाया भी नहीं जाता, फिर भी आंटी ने इतना कुछ अरेंज किया है हम लोगों के लिए। इतने मज़े की इफ्तारी थी कि मैंने अपनी पूरी प्लेट साफ की है फर्स्ट टाइम, वरना कुछ ना कुछ बच जाता है। आज उस आंटी ने अपने घर पे हमें इनवाइट किया दावत पे, इफ्तार पे, और बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार डिनर सब साथ में हो गया है, बहुत मज़े का है, और हम लोग जा रहे हैं। आंटी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बस आंटी को बहुत ज़्यादा इनवाइट करके जा रही हूँ कि फैसलाबाद आना है हमारे पास ज़रूर। और मम्मा तो इतनी उदास हो रही है, मम्मा का फेस देखे अपनी दोस्त से अलग हो रहा है, तो अपना दिल का टुकड़ा इधर छोड़ के जा ये है, दूर रह के भी हम साथ है ना, साथ साथ हमेशा, हर खुशी हर गम में हम साथ, और हम लोग आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग छोड़ेंगे भी, हम बुलाते रहेंगे हाँ वहाँ बुलाते रहेंगे, आंटी को आंटी हमें यहाँ बुलाती रहेंगी। और लेकिन अभी तो दिल समझ नहीं रहा ना कि छोड़ के जा रही हूँ, हमें साथ होते सब कुछ था, लेकिन ये जो हाथ है ना हमेशा ऐसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी फैसलाबाद में जो मेरे सब लोगों ने रिलेटिव्स ने रबड़ी का कहा था, वो सबकी रबड़ी आ गई है यहाँ पर, मैंने फ्रीज़र में रख दी है इसे ताकि जम जाए और बहुत अच्छी रहे, सफ़र बिल्कुल अच्छे से गुजर जाए। फ्रिज हमारा भर गया है माशाल्लाह से, सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी की है सबके लिए, जिसने जितनी जो मंगाई थी सब ले लिए मैंने, अब अल्लाह ताला इसको सही सलामत हम आप लोगों तक पहुंचा दे, और एक ये काम निमट गया है। नेक्स्ट जो काम रह गया है वो है शीरमाल का, जो कि उसका भी ऑर्डर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, सब लोगों ने मंगवाया है ना, तो मैंने इस बार ये रिस्क जो है मैंने लिया था, मैंने मम्मा को कहा था मम्मा चलो सब लोगों को पसंद है तो हम सबके लिए जो वो लोग कहते हैं वो लेके चले जाते हैं, और पेमेंट वगैरह उन लोगों ने नहीं दिए, भाई आप सब नहीं दिए, आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बस ये है कि मैं यहाँ से वहाँ लेके जाऊँ, ये भी बहुत वो होता है, झंझट होता है, अपना सामान भी होता है फिर, और दूसरों का भी लेके जाना होता है, बट कोई बात नहीं लेके आ जाऊंगी। तो शीरमाल का आज हम ऑर्डर देकर आ गए हैं, कल हमारी जिस टाइम की ट्रेन होगी उससे थोड़ी देर पहले आ जाएंगे वो, और ये काम भी हमारा हो जाएगा, वैसे तो 50% हो गया, बाकी हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, छोटे छोटे टोटे जोड़े हुए हैं मैंने, हर दिन की जो थोड़ी थोड़ी वीडियोस क्लिप मैंने बनाई हुई थी वो सब इसमें मैंने अटैच कर दी हैं, और अब ख़त्म करते हैं ये ब्लॉग इस चाय के साथ, जो कि रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा तलब होती है, बट मैं काफ़ी लेट हो गई आज चाय पीने के लिए, तो चाय पीते हैं, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।